आज की वीडियो जो है ना वो बहुत ही ज्यादा हमारे पास इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्किप मत करिएगा चाहे आप किसी भी ब्रांड का फोन यूज कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। अगर आज की डेट में देखा जाए मैं आपसे कहूँ 15,000 रुपए के आसपास बजट है। इस रेट में तो पहली बार तो 20,000 से नीचे कई बार कह चुका हूँ कि स्मार्टफोन कंपनी इतने अच्छे ऑप्शन नहीं ला रही है। अगर पहले कंपेरिजन में आप देखोगे सारे फोन डाउनग्रेड लगते हैं कहीं ना कहीं से। इसके पीछे कई सारे रीजन है, चिप शॉर्टेज या फिर अदर फील्ड के जो प्रोडक्ट है उसमें भी आप देख रहे होगे चीजें ऊपर नीचे हो रही है। नहीं तो ऑफर में कुछ फोन आते हैं या फिर जो पिछले साल लॉन्च हुए वो थोड़ी देर साइड में करें। वैसे पिछले साल तो आपको पता कि मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इस साल 2 मिलियन करने हैं। प्लीज सब्सक्राइब अगर नए चैनल पे होने वाले। मैं फोन की बात कर रहा था तो यहाँ पर मिड रेंज में मोस्ट पॉपुलर रेडमी नोट 10 प्रो, ये फोन ने अपने प्राइस में काफी अच्छा कैमरा दिया था। आज अगर शाओमी की बात करें खुद भी 16-17 हज़ार रुपए में जो फोन लेकर आ रहा इसके कैमरे को खुद नहीं बीट कर पा रहे। यही हाल है मोस्टली ब्रांड्स का। और रिसेंट इस बीच में एक फोन आता है जिसका नाम है मोटोरोला G52। थोड़ी सी अगर देखोगे तो आप इसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे बेसिकली 2-3 रीजन थे। पहला रीजन तो ये था वो इसकी डिस्प्ले और क्लीन यूआई, जिसको पसंद है वहां पर भी एंड्रॉइड 12 वगैरह के साथ आता है। मेरे पास ऑलरेडी ये G52 पड़ा हुआ है जो कि मेरे पास है, ये 6GB वाला है। और यहाँ पर हमारे पास एक वाइट कलर में है तो आप क्लियर देख सकते हैं, जो वाइट वाला है मेरे पास ये है 4GB, दूसरे वाला मेरे पास है 6GB। इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा वैसे रैम का क्या फर्क पड़ रहा है एक्चुअल लाइफ में, मल्टीटास्किंग में कितना का हमारा लाइफ दिखाऊंगा। लेकिन मेरे पास ये दो फोन क्यों है, ट्विटर पे काफी सीरियस मुद्दा चल रहा था जिसको चेक करना एक जरूरी काम बन जाता है बिकॉज मैंने G52 के बारे में वीडियो दिया था। 4GB रैम वाला जो मोटो G52 आता है ये जिटर ज्यादा करता है कंपेयर टू 6GB। 6GB वाले का एक्सपीरियंस इज ओके, मतलब सही है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस में तो रैम से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पड़ रहा है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो ट्विटर पे चल रहा था। मैं कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर मोटोरोला या कोई भी ब्रांड ऐसा करता है जो कि काफी गलत हो सकता है। उसके लिए मैंने ये फोन खरीदा है 4GB वाला अलग से 14,500 का। हालांकि ऑनलाइन लेता तो भाई 1,000 और ऑफर मिल जाता, बट मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं ले आया। ट्वीट है कि G52 को मोस्टली लोगों ने प्रेस किया, तारीफ करी, एवरी बिग इन्फ्लुएंसर यूजर रिव्यूज आर एग्जैक्टली कमिंग अपोजिट टू देम। अगर हम लोग ना फ्लिपकार्ट पे वैसे यूजर रिव्यूज काफी, मतलब कैमरा को काफी एवरेज स्कोर मिला हुआ है, बैटरी को अच्छा मिला है, डिस्प्ले को अच्छा मिला है, वैल्यू फॉर मनी को भी ठीक ठाक मिला हुआ है। और रिट्वीट में भी देखोगे तो यहाँ कहा जा रहा है भाई हाँ हायर यूनिट भेज दिया जाता है यूट्यूबर्स को टेस्ट करने के लिए, बेसिकली धोखा है एक तरीके से। और यहाँ पर एक और है सेम वैसे ही कुछ कहा गया है। और एडिटिंग करते हुए ये पता लगा कि कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है कि दोनों में स्टोरेज ही अलग है, तो मुझे लगा थोड़ा ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दिया जाए। ये रहे दोनों फोन, दोनों का स्टोरेज टेस्ट आपके सामने है, दोनों का सिमिलर रिजल्ट है। इनफैक्ट 4GB वाले में ज्यादा आ रहा है, बट ये दोबारा टेस्ट करूंगा तो थोड़ा सा उसका ज्यादा आ सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन में चाहे कोई यूट्यूबर हो, इवन जो यूनिट बाय भी करते हैं उनको भी आपने देखा होगा, यही कहते हैं भाई 7-10 दिन का वेट तो कर लो क्योंकि पहले दिन आते ही कोई कितना टेस्ट कर लेगा। यही चाहे कोई खरीदता है चाहे किसी को रिव्यू यूनिट मिलता है। अब जो रिव्यू नहीं करते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस ट्वीट पर 3 तरह के रिप्लाईज है। एक जिनका कहना है भाई यूट्यूबर्स ने सही नहीं बताया, दूसरा जिनका कहना है कि ब्रांड ने अंदर प्रमोशन करवाया, झूठी तारीफ करवाई, जो भी है, मतलब तीसरी तरह के वो लोग जो किसी ने शायद फोन बाय किया वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, इन्होंने अपने फादर के लिए बाय किया, परफेक्टली फाइन। और ये भी सच है भाई इनके फादर हैवी यूजर तो नहीं रहे होंगे, तो मैं भी छोटे मोटे जिटर इनके फादर को नहीं दिखे होंगे, इन्होंने खरीदा है और इनको भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 4GB 6GB में डिफरेंस समझने के लिए एकदम अनकट पार्ट शूट करते हैं, देखते हैं क्या फर्क है। 4GB 6GB यहाँ पर ये जितनी एप्लीकेशन है इन सबको मैंने वैसे बैकग्राउंड में एक बार ओपन कर रखा है। देखो रिसेंट एप्लीकेशन एकदम लेटेस्ट प्ले स्टोर है। और अगर 4GB 6GB का एक फर्क दिखाऊं, या देखो एकदम लास्ट एप्लीकेशन चले फ्लिपकार्ट, देखो दोनों में लोड हो गया। खैर और चलते हैं, देखते हैं 6GB का असर आ रहा है क्या कुछ रियल लाइफ में आना चाहिए, मल्टीटास्किंग ज़्यादा होनी चाहिए। एक काम करते हैं हम लोग ना यहाँ से नेटफ्लिक्स ओपन करते हैं, ये रहा ये देखो इसमें लोड नहीं हुआ, यहाँ पे लोड हो गया 4GB में बिकॉज इसके रैम में भाई कम रैम है ना तो ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं रह सकती बैकग्राउंड में। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा सारे को एकदम से क्लोज क्लियर ऑल कर रहा हूँ। वैसे मोटोरोला में यहाँ नीचे ऑप्शन होना चाहिए, बेटर था, लेकिन हाँ ये रहा और ये रख दिया मैंने फ़ोन। ओपन करता हूँ मैं ट्विटर, ट्विटर ओपन कर, मतलब आपको एनिमेशन देखना बेसिकली, कई बार देखो इसमें ओपन हो जाएगा पहले कई बार इसमें, इसलिए कई बार स्पीड टेस्ट वीडियो हमेशा इतने काम के नहीं होते, कई बार काम के भी होते हैं। बट हाँ यहाँ पर इंस्टाग्राम, बस आपको एनिमेशन और जिटर देखना बेसिकली। ये है फ्लिपकार्ट, मतलब आपको क्या करना है दोनों में डिफरेंस देखना है। अभी मैं बात करूँगा एक्चुअल में क्या है दोनों में, कहाँ जिटर मिल रहे हैं, लेकिन आपको देखना है कि क्या कहीं ऐसा लग रहा है आपको 4GB वाले में या 6GB वाले में लाइक ज़्यादा दिखा हो या ऐसा कुछ। उसके बाद हमारे पास ये है एंड नेक्स्ट ओपन कर रहे हैं, मिनिमाइज एनिमेशन आप देखते हो, मैं अनकट बोल रहा हूँ तो हो सकता है मेरी जवान कहीं अटक जाए। तो यहाँ पर ये है स्पॉटिफाई, उसके बाद ये वेयर इज माई ट्रेन, हर स्टूडेंट का फेवरेट, उसके बाद ये है लाइट रूम भी ओपन कर दिया हमने। तो अगर आप देखोगे सिमिलर सा मिनिमाइज भी हो गया, दोनों में हल्का सा जिटर हुआ। ये है हमारे पास कैलकुलेटर और ये हमारे पास यूट्यूब,
यूट्यूब को हम लोग करते हैं यहाँ से बंद। दोनों में सिमिलर सा ही हुआ, एनिमेशन भी सिमिलर थे। प्ले स्टोर देखो इस बार यहाँ लेट हुआ ओपन, तो यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन ओपन कर देते। कैमरा एप्लीकेशन देखो दोनों में हल्का सा जिटर आपको नोटिस हुआ होगा। और यहाँ पे अब क्या होगा, मल्टीटास्किंग की वजह से इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन रन करेंगे 6 GB में। खैर यहाँ पे बात करें तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे ट्विटर है, ट्विटर में अगर आप देखोगे देखो रिलोड हो गया ना 4 GB की वजह से। यहाँ पे अगर आप देखोगे सो यस, ट्विटर बहुत सारे फ़ोन में इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाता, आजकल कुछ चल रहा है ट्विटर पे। लेकिन यहाँ पर हम बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा जिटर फील होता है क्लियर। मतलब ये तो 15 FPS बोल रहा हूँ, 15 Hz ऐसा कुछ होगा, उससे भी कम हो सकता है। इवन यही चीज़ आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है यहाँ पर इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे भी क्या है, ये आपको ना जिटर थोड़ा सा फील होगा। वहीं पे अगर बात करें ना जो इसकी खुद की है, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन करते हैं, तो यूट्यूब में बात करें देख रहे हो 4 GB में कितनी एप्लीकेशन मेमोरी में कम रहती है। तो यहाँ पर हल्का फुल्का कम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा बट कम होता है। यहाँ पे फिर भी स्मूथ है, थोड़ी देर बाद स्मूथ हो जाता है, इंस्टेंट ओपन करने पे हल्का सा लगा था मुझे। वहीं पे प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, ये प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में देखते हैं। तो प्ले स्टोर में देखो हल्का सा जिटर हुआ, यहाँ पर हो रहा है अभी। ओके प्ले स्टोर में भी हल्का सा है, तो यहाँ पर है ये जिटर, आप नोटिस कर सकते हो। ऐसा नहीं कि जिटर नहीं है, बट होता नहीं डे टू डे लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्रोम ओपन किया, राइट, ये रहा क्रोम। उसके बाद अगर आप यूआई में ये स्वाइप करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों स्मूथ हैं। यहाँ पे जाते हो ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेटिंग ओपन करते हो, सेटिंग में भी अगर आप देखोगे इनको स्क्रॉल करते हो ओके है, कोई दिक्कत नहीं। नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर भी ओके सही लगेगा आपको। ऐसा नहीं, हमें ये भी ध्यान रखना है किस बजट का फ़ोन है। बाय द वे मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि पता नहीं कैसे है ये चीज़, ये 4 GB वाले 6 GB वाले में वैसे तो कोई फ़र्क नहीं दिखा, रैम मैनेजमेंट दिखेगा ही फ़र्क। ये इसके डिस्प्ले हल्की वार्म टोन में है 4 GB वाली, वहीं पे 6 GB वाली थोड़ी कूल टोन में है। पता नहीं ये डिफरेंस क्यों है, सब कुछ मैंने कलर सेट वगैरह सेम किया हुआ है। थक गया मैं बोलते बोलते। ये देखो आप अगेन सिमिलर। तो फ़ोन में जिटर है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस में कहीं कहीं जिटर क्लियर दिख रहा है, यूआई में नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जिटर नहीं है, अगर कोई जिटर बता रहा है तो वो फेक नहीं है। लेकिन ये फ़ोन ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं कर सकते आप, या फिर बजट के हिसाब से भी चीज़ें नोटिस की जाती हैं। लेकिन बात करें तो मैंने देखा ट्विटर स्पेशली या कई जगह हम लोग फ़ोन को एक लेवल से ज़्यादा ही क्रिटिसाइज़ करते हैं समटाइम्स, मैंने नोटिस किया। कई बार कुछ भी मुद्दे पे बिना फ़ोन एक्सपीरियंस के उस पर बातें ज़्यादा होने लग जाती हैं। सिमिलर एग्जांपल पता कहाँ अप्लाई होता है, हम लोग कितना कह रहे थे रिसेंट टाइम में, भाई कोई फ़ोन कंपनीज क्यों नहीं स्नैपड्रैगन 870 के साथ आती, बिकॉज वो स्टेबल है। अभी नियो 6 लेकर आया, तो मतलब आईक्यू वाला, वहाँ भी कहा जा रहा नया क्या है आईक्यू 7 के कंपैरिजन में। कौन सा ब्रांड है जो नया लेकर आया है कुछ रीसेंट टाइम में, अपग्रेड तो क्लियर मिल ही नहीं पा रहा है ना। लेकिन जब बड़ा डाउनग्रेड होता है या प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, वो ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल M52 अपग्रेड नहीं है, लेकिन ऐसे प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया जैसे कि A73 में बढ़ा दिया गया। तो A73 के प्राइस को क्रिटिसिज्म मिलना चाहिए। तो मेरी बातों को प्लीज़ कोई नेगेटिव वे में मत लेना। देखो यहाँ पर हमें बात करना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल मोटोरोला है कि इनको भाई बेटर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, हालांकि पहले से थोड़ा थोड़ा अगर आपने नोटिस किया होगा पहले से बेटर हुए हैं। S20 सीरीज वगैरह देखेंगे आप, कैमरा को और बेटर करें, या फिर जैसे सैमसंग है हार्डवेयर को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, गेमिंग फोन ऐड कर सकता है, जैसे आईक्यू है फन टच ओएस को और इंप्रूव कर सकता है, जैसे ओप्पो है कहने को कैमरा फोन बनाते हैं बट कैमरे को इंप्रूव कर सकते हैं, वन प्लस कितना अच्छा था, धीरे धीरे चीजें कहां कहां डाउन जा रही उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। या मैंने देखा गैलेक्सी S20 के कई लोगों ने बाय किया था, उसमें कुछ लोगों के फोन में लाइन्स आ रही है डिस्प्ले में, ये प्रॉब्लम है, इस पर बात किया जा सकता है। फोन का कैमरा अच्छा नहीं है, सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, स्पीकर अच्छा नहीं है, डिस्प्ले के कलर्स बेकार आ रहे हैं, इन चीजों पे बात करना ज्यादा लॉजिकल है। मार्केट में जो सिलेक्टेड फोन है अगर वो भी बेकार हो गए तो यूजर बाय क्या करेगा। हम यहाँ पर इसलिए बिल्कुल नहीं है कि यूजर फोन बाय ना करे, हम यहाँ पे इसलिए हैं ताकि हमारी हेल्प से यूजर फोन बाय कर पाए। आप कंपैरिजन देखिए, रिव्यूज देखिए, टेस्ट देखिए, मतलब सारा कुछ देख के आप डिसीजन लीजिए। ये वीडियो का मतलब तो था ही नहीं कि आपको ये फोन बाय करना कि नहीं करना, बस मैं ये 4 GB 6 GB क्लियर करना चाहता था, और मैं भी देखना चाहता था भाई अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो मैं भी ब्रांड से कहता भाई ये टॉप वेरियंट हमें मत भेजा करिए, हमें लोअर वेरियंट हमेशा चाहिए। बट रैम मैनेजमेंट को छोड़ के बाकी चीज़ों में फर्क नहीं दिखा। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।